इतना अगर वित्तीय बोझ आपके ऊपर बन रहा था, इस योजना को बंद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 1975 में 1975 में 25 जून 1975 में, जब उससे पहले इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन पटिशन इलाहाबाद कोर्ट ने जो है वो सुनने के बाद एक निर्णय दिया और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी, और ऐसी परिस्थिति में रातों रात 25 जून 1975 को रात के 12 बजे पूरे देश में एमरजेंसी लगा दी गई, और बहुत सारे नेता जो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। और अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, यानी कि नारा लगाने पर भी उस वक्त जो है वो DIR लगता था, और मीसा के अंतर्गत 19 महीने के करीब जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे लोग जेल की सलाखों के पीछे रहे। अध्यक्ष महोदय, आज भी आप लोकतंत्र की बात कह रहे हैं, आज राहुल गांधी जी के खिलाफ कोर्ट का कोई निर्णय के मुताबिक कोई कार्यवाही हुई है पार्लियामेंट सचिवालय की तरफ से, और उस पर भी आप बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र, लेकिन ये तो लोकतंत्र बिल्कुल आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। और उस दृष्टि से अध्यक्ष महोदय, हमने उन लोगों को जो जेल की सलाखों के पीछे कई महीनों तक रहे, उनके परिवार के तहत उनके परिवार के लिए एक छोटा सा सम्मान राशि, और इनका नंबर 80 से भी कम है हिमाचल प्रदेश में लगभग, क्योंकि जीवित ही नहीं रहे, बहुत बड़ी राशि नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, ये ऐसा नहीं है कि कोई इस तरह से हमने कोई स्कीम बना करके छोड़ी है, बाकायदा इस माननीय सदन में बिल ला करके, बिल पेश करके उसका पारण हुआ है, और बिल पारित होने के बाद ये कानून बना, और कानून के मुताबिक हमने ये व्यवस्था दी गई थी, हमने उनको 20,000 रुपए और 12,000 रुपए उनको हम महीने का दे रहे थे। नंबर मैंने बताया कि बहुत कम, 80 के करीब है ये पूरा हिमाचल प्रदेश में। पूछना क्या चाह रहे हैं आप? और इस योजना को बंद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कितना अगर वित्तीय बोझ आपके ऊपर पड़ रहा था, और दूसरी बात यह है कि इस बात को लेकर तो आप भी मानते हैं कि हम चुने हुए प्रतिनिधि, और चुने हुए प्रतिनिधि के नाते लोकतंत्र को, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जिन लोगों ने अपना जीवन का बहुत बड़ा समय तो जेल की सलाखों के पीछे गुजारा है, उनके प्रति सम्मान का भाव तो रहना चाहिए। चलिए चलिए, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी सुनिश्चित करेंगे जो आपने घोषणा की है, इस घोषणा को वापिस करेंगे लेंगे, और उसके बाद जो राशि इनको मिलती है उसको बहाल रखेंगे? लोकतंत्र प्रहरी के नाते हमने इस योजना का नाम रखा था, क्या इसको आप बहाल करेंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ। आई हैव अ राइट, मेरा भी तो राइट है बोलने का, मुख्यमंत्री जी मेरे बात बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता जयराम जी ने जो इशू उठाया है ये इररिलेवेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। इन्होंने प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या करना है क्या नहीं करना वो प्रेजेंट गवर्नमेंट को देखना है, और जो ये जो बिल की चर्चा कर रहे हैं जिसको हमने विड्रॉ किया है वो केवल इमरजेंसी का जो इशू है उसको हाईलाइट करने के लिए उन्होंने इस बिल को लाया था, और उसमें किन लोगों को बेनिफिट मिला है? पॉलिटिकल लोग, वेल ऑफ लोग, उनमें से बहुत सारे लोग तो MLA और मिनिस्टर भी रहे हैं। क्या MLA मिनिस्टर और जो वेल ऑफ लोग हैं वो इसके पात्र है? मेरे सर, मेरे को बोलने दो सर, मुझे बोलने दो सर प्लीज। आज अध्यक्ष महोदय, मीसा के अंदर जेल में कौन लोग थे? RSS के लोग, जो पॉलिटिकल लोग थे। कोई आंदोलन नहीं था सत्ती जी। आंदोलन तो आपने बनाया अध्यक्ष महोदय, इट वॉज नो आंदोलन, सिर्फ ईसा में। मुझे बोलने दो ओनली आर एस एस के लोग। आप बैठिए ना, अभी मंत्री जी बोल रहे हैं। आप सुरेश जी बैठिए, आप सुरेश जी के लोग थे अंदर, बैठिए ना, मंत्री जी बोल रहे हैं। इज ऑन द लाइक, आई एम नॉट परमिटिंग, प्लीज लेट हिम कम्प्लीट इफ एनी यू कैन ऑल्सो से।
प्लीज लेट हिम कंप्लीट सर, दिस इज एन एग्जांपल। इनको बोलने दो ना, बैठ जाओ आप, सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है, वे इट इज एन एग्जांपल। सरकारी धन का दुरुपयोग अपने आरएसएस के लोगों को, अपने चहेतों को देने के लिए जो है, अपने चहेतों को देने के लिए इन्होंने किया। अध्यक्ष महोदय मैं आपको नहीं सर, यू हैव, आपने जो है सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, आपने अपने चहेतों को, प्लीज प्लीज अपने आरएसएस के लोगों को, लेट हिम कंप्लीट आई विल गिव यू टाइम का काम किया था, उनके खिलाफ किया है अध्यक्ष महोदय, आई विल गिव यू टाइम इज रॉन्ग सर, मुझे कंप्लीट करने दो, लेट हिम कंप्लीट आई विल गिव यू टाइम, लेट हिम कंप्लीट आई विल गिव यू टाइम, प्लीज टेक योर सीट्स, लेट हिम कंप्लीट आई विल गिव यू टाइम, यू कांट गैग समबॉडीज, क्या चीज, प्लीज प्लीज। नहीं तो प्रेजेंट, वो तो उस वक्त के जो हालात थे, उस वक्त के जो हालात थे उसमें उसके मुताबिक हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्लीज टेक योर सीट्स, प्लीज टेक। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, he has raised a simple query. Please, let the honorable chief minister reply. जब पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो हमारे सभी सदस्य शांति से सुन रहे थे, और जब पार्लियामेंट मिनिस्टर किसी बात की क्वेरीज के लिए उठे तो उनको भी बात सुननी चाहिए। जब ये बिल आएगा उस समय मैं इसका उत्तर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।